नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ठीक पॉइंट पे, तो होम्योपैथी में। दोस्तों आज एक ऐसी मेडिसिन के बारे में हम बात करने वाले हैं जो गिलोय से बनती है, जिसका आयुर्वेद में बहुत लंबे समय से इस्तेमाल होता आ रहा है और होम्योपैथी में भी काफ़ी लंबे समय से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। तो गिलोय के द्वारा मेडिसिन बनती है जिसका नाम है टिनेस्पोरा कोर्डिफोलिया। दोस्तों इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो टिनेस्पोरा कोर्डिफोलिया मेडिसिन होती है इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़ रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों टिनेस्पोरा कोर्डिफोलिया मेडिसिन होती है प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, जो एक भारतीय पौधा होता है उसके द्वारा यह मेडिसिन बनती है और इसको और भी कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे ग्लूची, ग्लो, ग्लोए या हार्ड लीफ या अमृतवेल जैसे नामों से इसको जाना जाता है। दोस्तों बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका पहला यूज है, दोस्तों अगर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं, या जैसे कि आजकल समय चल रहा है कोरोना काल में, कोरोना का खतरा उन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है जिन लोगों के शरीर की इम्यूनिटी पावर वीक होती है, जिनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो इस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम ये मेडिसिन करती है, जिससे आपको कोरोना का खतरा तो कम होता ही होता है, साथ ही बहुत सारी ऐसी संक्रामक बीमारियाँ होती हैं जिनसे ये मेडिसिन आपको बचाने का काम करती है। दोस्तों टिनेस्पोरा कोर्डिफोलिया मेडिसिन होती है फीवर की भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है, बुखार की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर किसी को डेंगू फीवर हो जाए या वायरल फीवर हो जाए, टाइफाइड फीवर हो, मलेरिया फीवर हो, या बुखार कभी आता है कभी चला जाता है, कभी आप ठीक अपने आप को ठीक महसूस करते हैं फिर एक दो दिन बाद फिर आपको बुखार आ जाता है, तो उसको ठीक करने की ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। दोस्तों इसका अगला यूज़ होता है, अगर आपके शरीर में प्लेटलेट काउंट कम हो गया आपको बुखार आने की वजह से, या कोई और बीमारी होने की वजह से आपके शरीर की जो प्लेटलेट काउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, तो प्लेटलेट को ये बढ़ाने का काम करता है, एक या दो दिन में आपकी प्लेटलेट को नॉर्मल करने का काम ये मेडिसिन करती है। दोस्तों इसका अगला यूज़ होता है अस्थमा के लिए। दोस्तों अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, ये दमा की प्रॉब्लम है, या आपके जो फेफड़े हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, फेफड़ों की बीमारी आपको लगी रहती है, तो फेफड़ों को मजबूत बनाने का काम भी ये मेडिसिन करती है, या जो ग्लो होती है वो फेफड़ों को मजबूत बनाने का काम करती है। दोस्तों इसका अगला यूज़ होता है पेशाब संबंधी बीमारियों के लिए। अगर किसी के पेशाब में धात जाती हो, या पेशाब बूंद बूंद करके आता हो, या किसी को पेशाब कम आता हो, पेशाब जलन के साथ आता हो, या किसी को गोनोरिया की परेशानी हो, तो उसको भी ठीक करने का काम ये मेडिसिन करती है, या जो ग्लो होती है वो उसको ठीक करने का काम करती है, या जो होम्योपैथिक मेडिसिन टिनेस्पोरा कोर्डिफोलिया होती है वो मेडिसिन इसको ठीक करने का काम करती है। तो होता है लीवर के लिए। दोस्तों अगर आपका लीवर जो है कमज़ोर है, या आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, या आपका लीवर का साइज बढ़ गया है, या आपको पीलिया की परेशानी है, लीवर ठीक से काम न करने की वजह से आपको भूख नहीं लगती हो, तो उसको भी ठीक करने का काम जो टिनेस्पोरा कोर्डिफोलिया मेडिसिन होती है वो करती है। तो इसका अगला यूज़ होता है अगर आपकी जो स्प्लीन है वो बढ़ गई है, जो तिल्ली होती है वो बढ़ गई है, या तिल्ली में दर्द रहने की परेशानी है, सूजन की परेशानी है, तो उसको भी ठीक करने का काम ये मेडिसिन करती है। दोस्तों टिनेस्पोरा कोर्डिफोलिया मेडिसिन होती है अर्थराइटिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को ऑस्टियोअर्थराइटिस हो, या रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो, किसी को जोड़ों में दर्द रहने की बीमारी हो, तो उसको भी ठीक करने का काम जो टिनेस्पोरा कोर्डिफोलिया मेडिसिन होती है वो करती है। जो टिनेस्पोरा कोर्डिफोलिया मेडिसिन होती है इनडाइजेशन को भी ठीक करने का काम करती है। अगर किसी के पेट में गैस बनने की शिकायत है, खाना ठीक से पचता नहीं है, तो उसको भी ठीक करने का काम ये मेडिसिन करती है। दोस्तों जो टिनेस्पोरा कोर्डिफोलिया मेडिसिन होती है डायबिटीज़ की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को मधुमेह की शिकायत है, शुगर की बीमारी है, तो शुगर को भी कंट्रोल करने का काम ये मेडिसिन करती है। साथ ही साथ अगर किसी को किसी के शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है, अगर किसी के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करके हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करती है। साथ ही जो महिलाओं में लिकोरिया की शिकायत रहती है, सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है, तो लिकोरिया को भी ये मेडिसिन बड़ी आसानी के साथ ठीक कर देती है। दोस्तों जो टिनेस्पोरा कोर्डिफोलिया मेडिसिन होती है बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने का काम करती है। अगर मैं इसके यूजेस गिनाने लगूँ तो कम से कम 100 बीमारियों में काम करती है, पुरुषों में या महिलाओं की बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनको ठीक करने का काम करती है। हमारे शरीर में ब्रेन से लेकर नीचे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, हर ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे स्किन में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी के को फोड़े फुंसी या कील मुहासे की प्रॉब्लम रहती है, किसी की जो स्किन है उस पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, तो उसको भी जो टिनेस्पोरा कोर्डिफोलिया मेडिसिन होती है वो बड़ी आसानी के साथ ठीक कर देती है, या जो ग्लोय होती है, जो ग्लो होती है वो भी वो इसको बड़ी आसानी के साथ ठीक कर देती है। तो
काफी सारे इसके यूज होते हैं, काफी सारी बीमारियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको ग्लो, आप ग्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपको ग्लो नहीं मिल रही है तो ये जो मेडिसिन होती है होम्योपैथिक टिनोस्फोरोकोर्डिफोलिया, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लो से ही बनी होती है और प्योर फॉर्म ये होती है ग्लो की, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो बीमारी है वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे और आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।